तो दोस्तों स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रैकर के एक और नए एडवेंचर में, और मैं हूँ अभी बेंगलोर में। सुबह का समय मैं निकल रहा हूँ महाराष्ट्र के लिए। पंढरपुर मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा महाराष्ट्र में, और अभी बेंगलोर में अभी मैं हूँ। ये देखिए बेंगलोर सिटी, और कुछ फ्रेंड लोग मिले। आप सभी दार्जिलिंग से है ना? दार्जिलिंग से भाई लोग थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए इधर रुके, और मैं ये यहाँ से जाऊँगा, पुणे वाला हाईवे पकड़ के मैं सीधा निकल जाऊँगा। तो अभी भाई लोग आप राइट पे जा रहे हो या कहीं? राइट पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपका चैनल है? हाँ, मेरा भी चैनल है। क्या नाम चैनल का? गोर के बॉय ब्लॉग्स। ओके, तो भाई का चैनल है, तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मेरी यात्रा अभी कंटिन्यू ऐसी जा रही है, चलते शाम तक तो मैं भी रनिंग करूँगा। अभी देखते हैं कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। अभी बेंगलोर सिटी पार करने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा शहर है, एप्पल है ये एप्पल। स्पेशली भैया को ज़्यादा सपोर्ट करना गाइस, हम तो कुछ भी नहीं है। भैया तो साइकिल में ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, बोलो मत। इट्स वेरी लाइक होता ना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट भैया जी को एच अप मैन, कीप गोइंग, और 12 ये कंप्लीट करके और करना। अभी देखते हैं इसके बाद में। ओके ओके भाई, बाय बाय। ओके यार, जो भाई लोग मिले थे वो थोड़े शॉक हो गए, बोले यार आप नेपाल से कैसे हो के आ गए साइकिल से, और उत्तराखंड कैसे कर लिया। और बोले आपका साइकिल भी एक तो सिंपल साइकिल है, नॉन गियर साइकिल। वो साइकिल देख के ज़्यादा वो शौक हो रहे थे कि यार इतना लंबा आप जो रन कर रहे हो, कम से कम साइकिल बोले गियर वाला लेते। तो मैं उनको बोला कि यार गियर वाले साइकिल का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, और हर कहीं वो उसका मैकेनिक नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं नॉन गियर साइकिल लेके चला। और वैसे भी मैं थोड़ा 12 ज्योतिर्लिंग की मैं यात्रा कर रहा हूँ ना, तो भक्ति पर्पज़ से मैं चला हूँ, इसलिए भी मैं ज़्यादा इतना हाई लेवल का कुछ लेके नहीं चला हूँ। सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं चलता हूँ। और अभी बेंगलोर से मैं बाहर निकल रहा हूँ। सुबह मैं चला था नीलेश भाई की, इधर से नीलेश भाई तो ड्यूटी चले गए थे, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो कुछ नाश्ता वगैरह उनने जो बनाया था, तो वो बस नाश्ता किया और मैं वहाँ से निकल गया। और अभी बेंगलोर सिटी को मैं पार कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा शहर है यार, इसको तो पार करने में मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा, पर पार तो करना पड़ेगा। उन भाइयों को मैं बोला कि मैं तो दार्जिलिंग भी गया था, तो कहने लगे अरे भाई बस कर यार। बोले क्या क्या कहाँ कहाँ से होके आ रहा है? बोले हमको जाने में यहाँ से 2 दिन लग जाता है, ट्रेन से जाते हैं फिर भी। और बोले यार तुम तो साइकिल से आ गए। देखिए पुणे बचा है भाई 817 किलोमीटर, और बेंगलोर से भी मैं थोड़ा बाहर निकल गया हूँ। काफ़ी ट्रैफिक कम हो गया अभी बाहर में, अंदर तो बहुत परेशान हुआ यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बेंगलोर का। अभी पुणे हाईवे पकड़ के थोड़ा आगे जाऊँगा मैं, वहाँ से मुझे पंढरपुर वाला हाईवे लेना है। तो बराबर ही है, बस थोड़ा पंढरपुर पहले आएगा, पुणे बाद में आएगा। चलो अभी आगे बढ़ते। तो दोस्तों बेंगलोर से मैं अभी बाहर निकल गया हूँ, और भाई मेरे लिए काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े थे यार, सोएब भाई। देखे मुझे पीछे देखे थे इनने, और ये इनकी कार है, यहाँ आके मेरा वेट कर रहे थे कि बंदा आगे आएगा तो मिलेंगे। और वैसे मैं बताऊँ, भाई जो है राइडर है, बाइक राइडर, और इनने लद्दाख ऑल इंडिया की हो या लद्दाख? ऑल इंडिया। मेरा अब जैसे कि भाई को देख रहे हो साइकिल में, वैसा 14 साल से मेरा काम और मेरा पैशन रहा है मोटरसाइकिल में ट्रैवल करना। बहुत ही खुशी हुई ये बस देख के कोई ट्रैवलर इधर रास्ते में जा रहा है और मेरा सिटी है और मैं नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मोटरसाइकिल रहने दो, साइकिल रहने दो, ट्रैवलिंग एक पैशन होता है, लोगों को मिलना एक होता है फैमिली जिसमें पैदा होते हैं, फिर एक फैमिली होता है एक्सटेंड होके जो रास्ते में मिलते हैं। बहुत ही खुशी हुई, इंस्पिरेशन है, आप लोगों से भी मिलता है कि सपोर्ट करो, भाई को आगे बढ़ाओ, शायद और थोड़े साल में भाई को देखूंगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी भाई से अभी मिल लिए, अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोपहर का समय कुछ खाना भी नहीं खाया मैंने, कुछ होटल देखूंगा यार कुछ खाना खाने का। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। भाई 14 साल से थोड़ा थोड़ा करके पूरा इंडिया घूम चुके हैं, और मैं एक ही बार में साइकिल से घूम चुका हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा, और मेरे चैनल का नाम है द हिंदुस्तानी ट्रैकर, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो दोस्तों ये देखिए मैंने लगा लिया यहाँ पे टेंट, और अच्छे तक मेरा इधर ही खड़ा है। साइड में जो टेंट की जो रॉड है उसके साथ में मैंने लॉक लगा लिया, हमेशा ऐसे ही करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी रहता है। और ये है मंदिर, शनि देव जी का मंदिर है,
भगवान शनिदेव का मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी ग्राउंड दिखा मुझे, और सामने से देखे पूरा हाईवे। मैं तेज़ी से इधर से निकल रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा इधर मैंने नज़र पड़ी तो मैं सोचा चलो यार आज नाइट में इधर रुकता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया था। तो अभी ये मंदिर की पिछली दीवार के पीछे इधर देखिए, मैंने टेंट इधर पीछे लगाया, इसका कारण है कि ठंडी हवा बहुत चल रही है यार यहाँ पे है, तो पीछे लगाया इधर तो ठंडी कम लगेगी मुझे, बाकी इधर बहुत ठंड रहे यार, और हवा चल रही है अभी। ये देखिए पेड़ पेड़ की डालियाँ हिल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से मैंने आज इधर अंधेरे में टेंट लगाया। वैसे जगह तो इधर भी बहुत थी, ठंड लगती यार इधर। चलो आज यहीं पे विश्राम करेंगे और सुबह बढ़ेंगे अपनी नई जर्नी के लिए। अब देखते हैं कल कहाँ तक पहुँच पाते। चलो अभी आराम करता हूँ।